ये मैंने सूट में से बचा हुआ फोम ले लिया है और ये हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है। इसी में से हम कुछ अच्छा सा चीज़ बनाएंगे। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है और चौड़ाई ये लगभग 7.25 इंच है। इसी के साइज़ का मैं एक प्रिंटेड कपड़ा कट कर लूँगी। ये हमें 2 पीस चाहिए तो इसके हम 2 पीस कट कर लेंगे। अब प्लेन कपड़े को बिछा लेंगे और इसके भी हमें इसी साइज़ से हमें कपड़ा निकालना है, तो इसे मैं 1 इंची छोटा कर लूँगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मोड़ लेती हूँ। सेम साइज़ के हमें 3 पीस चाहिए तो इसका मैंने 1 पीस और निकाल लिया है इसी कपड़े को रखकर। अब जो हमारे घर में ही कैरी बैग रखा होता है उसी का हम 1 पीस इसके नाप का ही और निकाल लेंगे। ये हमारे पास वेस्ट ही पड़ा रहता है, इसमें से मैंने कुछ पहले बनाया था उसी में से ये बचा हुआ है। जो हमने कैरी बैग कट किया है इसके हम 2 पीस कर लेंगे। अब जो प्रिंटेड वाले हमने 2 पीस कट किए थे इसके बीच में फॉर्म को अटैच कर देंगे। आप इसे पहले पिन कर सकते हैं या फिर इसमें बीच में सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब जो हमने प्लेन पीस तैयार किए थे उसमें हमने कैरी बैग को एक सेंटर में रखना है और इसे कवर कर देना है। इसी के अंदर इसकी लाइनिंग आ गई। 2 पीस को हम इस तरह से तैयार करेंगे और इनके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कैरी बैग है इसे निकाल देंगे। ये हमारे 3 पीस तैयार हो गए हैं। अब जो प्लेन वाला पीस है इसे भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। जो बाहर वाली साइड है उधर से स्टिच करेंगे और फोल्ड वाली साइड पर यहाँ पे चैन अटैच कर लेंगे और मार्जिन को बाहर की साइड करके इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो 2 पीस प्लेन हमने पहले तैयार किए थे उसमें से 1 पीस को फोल्ड साइड से दूसरी साइड चैन में अटैच कर लेंगे और इसे भी टॉप स्टिच से फिनिश कर लेंगे। अब ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। इसी बड़े वाले प्रिंटेड पीस पे हमें अटैच करना है। चैन वाली साइड को हमने ऊपर रखा है और जो खुली वाली साइड थी उसे नीचे से अटैच कर दिया है। साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और जो दूसरा पीस है इसे भी दूसरी साइड से फोल्ड साइड ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। चारों साइड्स को हमें कवर कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा पीसेस बाहर निकले हुए हैं इसे कट कर लेंगे। इसके साइड्स कवर करने के लिए मैंने ये प्लेन पीस लिया है जो हमारे पास अभी बचा हुआ था। इसके 4 पीस हमें निकाल लेने हैं चारों साइड लगाने के लिए। अब इसे हम साइड से कवर करेंगे। तो मैंने पहले लंबी वाली साइड पे इसे एक साइड से अटैच कर लिया है। उल्टी साइड लगाकर इसे सीधी साइड मोड़ते हुए पाइपिंग की तरह स्टिच कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। साइड वाली पट्टी लगाने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पाइपिंग को बाहर रख लेना है क्योंकि हमें इसमें किनारे से भी फिनिशिंग करनी है। सेकेंड साइड पे पट्टी लगाने से पहले हम एक इलास्टिक ले लेंगे और इसे 2.25 इंच में कट कर लेंगे। इसे हमें सेंटर में अटैच करना है। इसका एक लूप बना लेंगे और इसे सेंटर में पक्का कर देंगे। लूप लगाने के बाद इस साइड को भी पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। चारों साइड फिनिश कर लिए हैं और हमारा ये सिर्फ 5 रुपये में पर्स बनकर रेडी हो गया है। 5 रुपये की हमारी इसमें सिर्फ चैन लगी है, बाकी सब सामान हमने घर में ही रखा हुआ निकाला है। अब यहाँ पर हम पर्स में पैसे रख देंगे और जो चैन लगाई है यहाँ पर हम सिक्के रख सकते हैं। दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे फ़ोन अटैच कर दिया है। यह हमारा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है बजा जाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।